लिम्रा न्यूज़, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सभी सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिम्रा न्यूज़। भाई ऐसा है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमारे पुराने साथी हैं। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य बीजेपी हराना नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। क्या ये बात आपको नहीं पता? समाजवादियों से अलायंस न होता तो शून्य होती बहुजन समाज पार्टी। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की जनता को। जब मैं देवबंद में आया था, मुझे खुशी इस बात की, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था, वो गठबंधन का कार्यक्रम था। यहाँ की जनता ने उस समय सेकुलर चीज़ों के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए वोट दिया था। मुझे खुशी इस बात की कि उन्होंने उस समय मदद की, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का खाता भी खुला। अभी अकेले लड़े थे, कितने थे विधायक उनके? विधायक तो पता होगा कितने हैं उनके, वो भी अपनी ताकत से है। इन नेताओं से बड़े वो नेता हैं क्या? ये देखो, इनके बेटे एमएलसी हो गए। ये तो क्या बातें करते हो, ये तो समाजवादी लग रहा है मुझे लगता है। अब किस दल में हो? अच्छा ठीक है, ये तो समाजवादी है। और देखिए आप चंद्रशेखर भी आ गए, चंद्रशेखर से भी छोटे नेता जिनके बारे में बात कर रहे हो आप। देखिए बहुत ठीक, बहुत समझदारी से आप समझिए बात जो सरकार छिपाना चाहती है। जो गवाह की हत्या हुई, गवाह की हत्या में हमारे पुलिस फोर्स के दो सिक्योरिटी अफसर शहीद हुए, सिपाही शहीद हुए, दो गनर शहीद हुए, जो सिक्योरिटी में मौजूद थे वो दो शहीद हुए। सरकार ने ही सिक्योरिटी दी थी उन्हें। और बाद में जो घटना हुई, जिन पे आरोप था उन पे भी पुलिस सिक्योरिटी थी। आप सब लाइव देखते थे, हम सब ने लाइव देखा है, बताओ कितनी सिक्योरिटी होती थी। और जिस दिन की घटना है बताओ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? तो आखिरकार सिक्योरिटी न रहना, सिक्योरिटी रहना किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार कैसे अपने आप को पीछे कर सकती है? ये सरकार की वजह से घटनाएं हुई हैं और सरकार ने घटनाएं कराई हैं। आज सहारनपुर में सीएम योगी आज प्रयागराज में, उन्होंने कहा है पहले प्रयागराज में केसार होता था, पापाचार होता था। क्या प्रयागराज में होता था? पापाचार होता था, केसार होता था, अब नहीं होता योगी की धरती पर। क्या कहेंगे आप? ये बताइए, किसी भी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में इतने मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी तक सबसे ज्यादा आत्मदाह किसी मुख्यमंत्री के आवास के सामने हुए हैं तो यही मुख्यमंत्री हैं। अभी अभी एक मर गया बेचारा, न्याय मांगते हुए मर गया। उनके विधायक पे आरोप है कि विधायक ने उस